ये इंजन देख सकते हैं, इंजन की हालात आप देख के ये पता सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी गति रही है। एक्सीडेंट हो जाता आपस में आमने सामने। दोस्तों हमारी उपस्थिति अभी सिंगा थाना के अंतर्गत कहना मुड़बाड़ा गांव में है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखे मैक्सिमम 3 से 4 दिन पहले बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले रात में एक्सीडेंट हो जाता है, 2 ट्रक आपस में आमने सामने हो जाता है भिड़न, जिसके कारण यहाँ पे ही जो ड्राइवर था उनके साथ जो व्यक्ति थे उनका डेथ हो जाता है। आज सुबह में मैक्सिमम देखिए 10 तारीख को रात में जब 11 बजे रात में कोई बराती घूम रिटर्न आ रहा था तो फिर उनके पीछे से ही ट्रक में हादसा हो जाता है और मैक्सिमम 5 व्यक्ति के अभी तक बताए जा रहे हैं, 2 की स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है और 3 व्यक्ति जो 3 आदमी इलाज के दौरान उसका देहांत हो जाता है। कोई पता होगा उस 5 घर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 5 उस घर पे भी जाएंगे। जी हाँ, उससे पहले मैं घटनास्थल के बारे में दिखा देता हूँ। ये घटनास्थल है, ये 4 से 5 दिन पहले ट्रक हादसा होता है, ट्रक में ड्राइवर की मौत हो जाती है, ड्राइवर के साथ 1 व्यक्ति बैठे रहते हैं उनका देहांत हो जाता है और फिर रात में तकरीबन 10 से 11 बजे बताया जाता है, जो कि ग्रामीण बता रहे हैं 10 से 11 बजे तक बराती रिटर्न आ रही थी, उसी क्रम में या तो ड्रिंक कर रखा होगा ड्राइवर, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो ड्रिंक कर रखा था, या पीछे बॉडी पे आती है स्कॉर्पियो आता है पीछे डायरेक्ट इसके अंदर घुसा देता है, जिसके कारण 4 से 5 व्यक्ति अभी तक बता रहे हैं कि वो देहांत हो गया। मैं आइए उस स्कॉर्पियो के बारे में दिखा देता हूँ, जिस स्कॉर्पियो का धज्जी मचा दिया गया, जिस स्कॉर्पियो को इस तरह टक्कर मारी जो एक एक पार्ट पुर्जा सही सलामत नहीं है। ये इंजन देख सकते हैं, इंजन की हालात आप देख कर ये पता सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी गति रही होगी और कैसे चोटिल हुए होंगे। ड्राइवर को तो बताया जाता है कि स्पॉट में ही मर्डर हो जाता है और न जाने 2 व्यक्ति बताता है कि स्पॉट में ही मर्डर हो जाता है और 3 व्यक्ति इलाज के दौरान उसका देहांत हो जाता है। ये आप दिखाएंगे पूरे देखें, ये गाड़ी की हाल देखकर आपको पता ही चल रहा होगा कि कितनी जोरदार टक्कर होती है। जी हाँ देखिए, एक भी पार्ट पुर्जा सही सलामत नहीं है, इंजन की तो धज्जी मचा दी गई है, इंजन की इस तरह टोक ठोकर मारा गया कि एक एक पार्ट पुर्जा इसका रिपेयरिंग हो नहीं सकता। ये ट्रक अगर इस हाईवे अगर हटा दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं हो जाती। जरा कैमरा मैन मैं आपको अपने साथी को बोलूँगा जरा इस गाड़ी की हालत को दिखा दे। अभी भी इनका कुछ झोला जप कर इसी के अंदर है, मैं इसको टच भी नहीं कर सकता, कुछ कपड़े लते जो भी हैं इसी में है। जी देखिए, आप हालत देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि कितनी जोरदार टक्कर होती है। मैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार पासवान। कितना बजे ये हादसा हुआ था? सर 12:30 के आसपास। 11 सर 11 सर 11 जी। कितनी जोरदार टक्कर होगी, किस तरह? बहुत एकदम बम की तरह आवाज है सर, बहुत ही खौफनाक घटना, बाप बहुत ज्यादा सर। बताया जा रहा है कि 2 आदमी का यहीं पे डेथ हो जाता है। हाँ जी जी। आप थे उस टाइम में? जिस टाइम नहीं नहीं, उस टाइम नहीं थे, हम लोग तो घर में चले गए थे। आप थे उस टाइम में घटना? नहीं 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 थे। आप थे क्या उस टाइम? मैं था। कैसे घटना हुआ था ये? वो घटना वहाँ पर मैं मोबाइल चला रहे थे उधर से गाड़ी आया बराती वाला, डायरेक्ट इसी में आया, इसी में ठोक दिया अंदर, पूरा अंदर चला गया, डिस्प्ले पे हाथ बांध रहे हैं, पूरा अंदर एकदम चला गया। तो निकलिए नहीं रहा था गाड़ी से, जो मरीज है जो निकलिए नहीं रहा था उसी में सिर्फ अथी पार हो गया है। प्रशासन की लापरवाही है या नहीं है? हाँ है सर, बिल्कुल ही है सर, ऐसे पूरा एकदम रोड पे गाड़ी ऐसे लगा हुआ था एकदम, पूरे मेन रोड पे। हाँ हाँ जी सर, पूरा लाइन ही हटाना था वहाँ से, गाड़ी हटाना चाहते थे वहाँ, गाड़ी पहले हटाना चाहता था। अगर गाड़ी अगर हट जाता तो इस तरह की घटना तो नहीं होती? नहीं होता। मैक्सिमम 10 से 11 बजे किस तरह की गति जब बराती रिटर्न आ रहा होता है तो उस टाइम में न जाने किस तरह की जो ड्राइवर होते हैं, चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा हो, हर एक का एक ही जुनून होता है कि 50-60+ गाड़ी रफ्तार में जाती है और हाईवे पे अक्सर गाड़ी 60 से 70 रफ्तार में होता ही है और उसी क्रम में जब ये उन्हें ड्राइवर को ये नहीं पता था कि हम इसी रास्ते से रिटर्न अभी गए हैं और इसी रास्ते से रिटर्न जा रहे हैं। मालिक भी बोल रहा था कि गाड़ी यार हटवा दीजिए। कौन मालिक बोल रहा था? मालिक ट्रक ड्राइवर? हाँ नहीं, ट्रक का मालिक। हाँ ट्रक का मालिक, मगर हटाया नहीं गया? नहीं हटाया गया। और उसी क्रम में 10-11 के बीच में जब रफ्तार में गाड़ी 60 से 70+ में चलाता है ड्राइवर, और उसी बीच में जब वो हाईवे पे गुजर रहा होता है, बीच हाईवे पे ट्रक खड़ी होती है और उसी बीच में हादसा हो जाता है। क्या एक गाड़ी का लिखता? बस एक ही गाड़ी का लिखता। आप हमें भी देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मात्र एक गाड़ी देख सकते हैं, मैक्सिमम 3 गाड़ी का आराम से यहाँ पे क्रॉस हो सकता है। जी जी, मगर बीच रास्ते में खड़ा होने के कारण अभी एक गाड़ी भी सही से क्रॉस नहीं कर सकती है। क्या प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन
कार्रवाई किया जाए, प्रशासन को बोला दिया जाए कि ये कैसे गाड़ी था कहाँ लगा दिया, बीच रास्ते बीच रोड पर लगा दिया, अभी भी रोड ही पर लगा दिया, अभी भी रोड पर। हाँ, बाल रेत भरा पड़ा है उसमें, पता नहीं क्या क्या है। अभी अभी खाली करवाया जा रहा है। जी जी जी, खाली हो रहा है, खाली। अगर वो दो तीन दिन पहले खाली हो जाता तो इस तरह नहीं होता सर, नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता।